हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइन फिजिक्स। तो अब तक डिफरेंशियल इक्वेशंस में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करते हैं, उसके लिए चार मेथड्स हमने देखे। वेरिएबल सेपरेबल है फर्स्ट, सेकंड क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर इक्वेशन हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की गिवन हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, और कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं और कौन सी ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। लास्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में, वो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम उसको सोल्व करते हैं और कौन सी ऐसी इक्वेशन होते हैं जिनको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो कुछ मेथड्स हमने देखे। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, और इसमें दो टाइप्स की इक्वेशन हम देखते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके लिए जो आर ऑफ एक्स है वो अपना होता है इक्वल टू ज़ीरो, और उसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और दूसरा है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके लिए आर ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और उसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो वीडियो थी इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा, और इस पे दो वीडियोज अपनी आएंगी जिसमें चार रूल हम देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन हो लेकिन उसके जो कोफिशियंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट ना हो तो उसको हम बोलेंगे कोसी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको कैसे हम सोल्व करते हैं, किस टाइप की वो इक्वेशन होती है, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और उससे पहले हम देखेंगे रोन्सकियन, और रोन्सकियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्यों हम फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी दो सॉल्यूशन हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन के y1 y2, तो उनको चेक करने के लिए कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इनडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए हम रोन्सकियन फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन है अपना, इक्वेशन आपको गिवन है और सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। आई होप ये आपका हो गया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन को अगर आप देखो तो आपको किस टाइप की दिख रही है, थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, ठीक है। तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर ऑफ एक्स को तो हम लेते हैं जीरो के इक्वल, और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं तो जितनी ऑर्डर होगी डेरिवेटिव की उतनी क्या आ जाएगी, m की पावर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो m क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1, तो यहाँ से m की तीन वैल्यूज अपनी आएंगी, और तीन वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, माइनस 1 को हम लिख देंगे e रेज टू पावर आइटा n पाई, जहाँ पे n की वैल्यूज क्या होंगी, ओड वैल्यूज होंगी 1, 3, 5, ठीक है। तो m की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, e रेज टू पावर आइटा, अगर 1 हम लेते हैं तो पाई बाई 3, e रेज टू पावर आइटा 3 हम लेते हैं तो क्या आएगा, पाई इंटू ई रेज टू पावर आइटा 5 पाई बाई 3। तो ये तीन वैल्यूज हमें m की मिलती हैं। तो आइटा ई रेज टू पावर आइटा पाई बाई 3 को हम कैसे लिखेंगे, कोस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3। तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 प्लस आइटा स्क्वायर रूट 3/2। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, ई रेज टू पावर आइटा पाई क्या होता है, माइनस 1। तीसरी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, कोस 5π/3 प्लस आइटा साइन 5π/3। तो 5π/3 को हम कैसे लिखेंगे, 2π-π/3, ठीक है। तो कोस 2π-π/3 क्या होगा, कोस पाई बाई 3 होगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। और साइन 2π-π/3 क्या होगा, माइनस साइन 2π/3 होगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आइटा स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमें m की वैल्यूज मिल रही हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो दो रूट्स हमें मिल रहे हैं वो तो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और एक क्या है, माइनस 1। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं c1 e रेज टू पावर माइनस x,
प्लस ये जो दो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो हम कैसे लिखेंगे, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2x इंटू सी टू कोस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस सी थ्री साइन बीटा एक्स, स्क्वायर रूट 3/2x। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ही यहाँ पे हमें हिंट गिवन है कि कोस स्क्वायर एक्स बाई टू जो हमें गिवन है वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिखते हैं, 1/f(d) और जो r ऑफ x हमारा होगा वो, तो f ऑफ d यहाँ पे क्या है, डी क्यूब प्लस 1 और r ऑफ x हमारा क्या है, ये वैल्यू है, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 cos x / 2 प्लस e^(-x)। तो ये जो ऑपरेटर है अपना वो हम सेपरेटली ऑपरेट करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या आएगा, 1/d³+1 किस पे हमने ऑपरेट किया, 1/2 इंटू कैसे लिख सकते हैं, e^0 इंटू में x लिख सकते हैं, प्लस 1/d³+1 कोस एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस 1/d³+1 e^-x। तो यहाँ पे e^0 × x है, तो d की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, तो क्या वैल्यू आ रही है, 1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है हम कैसे लिखते हैं कि कोस ए एक्स या साइन ए एक्स के टर्म प्रेजेंट हो, तो हम d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं -a² से, तो d स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे -1, तो क्या आएगा, 1 - d आएगा, ठीक है, इंटू में क्या आएगा, कोस एक्स डिवाइडेड बाई टू, लेकिन 1 - d जो है हम d स्क्वायर की जगह पे ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम इसको d स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 + d और 1 + d से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम करें तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 1 - d² बन जाएगा, और d स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, -1, तो 1 - -1 क्या होगा, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, एक 2 ये अपना था ही, तो cos x डिवाइडेड बाई 2 ये ऑपरेट कर जाएगा इस पे, क्योंकि d अगर हम ऑपरेट, d का मतलब क्या है, d/dx है, ठीक है, तो d/dx हम करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म अपनी क्या है, e^-x, तो -1 हम पुट करेंगे d की जगह पे, तो -1 + 1 क्या आ जाएगा, 0, तो f ऑफ a जो है वो अपना क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो f ऑफ a अगर 0 होता है तो हम कैसे लिखते हैं, x इंटू में इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो 1/3d² और यहाँ पे d की जगह पे -1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी इंटू में e^-x। तो ये अपना क्या आ रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1/2 + 1/4। अब अगर 1 ऑपरेट होता है तो हमें cos x ही मिलेगा, लेकिन d अगर ऑपरेट होता है, d/dx ऑफ cos x क्या आएगा, -sin x आएगा, प्लस x/3 e^-x। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो अब इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 e^-x प्लस e^(x/2) c2 cos√3/2 × x प्लस c3 sin√3/2 × x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 1/2 + 1/4 cos x माइनस sin x प्लस 1/3 x इंटू e^-x। ये हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है अपना कि रोन्सकियन हम कैसे लिखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर दो सॉल्यूशन हमें गिवन है तो हम रोन्सकियन के थ्रू कैसे चेक करेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इनडिपेंडेंट है। वैसे अगर हम देखें y1x और y2x जो है वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमने कंसीडर कर लिए, और वो लीनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट कब होंगे, लीनियरली इनडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे a कोई कोफिशियंट y1x प्लस b इंटू y2x, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है जहाँ पे a और b जो हैं वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होंगे, लीनियरली इनडिपेंडेंट होंगे।
अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आता है और वहाँ पे ए और बी भी क्या है इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, तो वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे रोन्सकियन के थ्रू, तो रोन्सकियन हम कैसे लिखते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम लिखते हैं डब्लू वाई वन एक सोल्यूशन है, वाई टू दूसरा सोल्यूशन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वाई वन एक्स वाई टू एक्स वाई वन डैश एक्स एंड वाई टू डैश एक्स। अगर ये डिटर्मिनेंट अपना इक्वल टू ज़ीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो दो सॉल्यूशंस हैं अपने वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो जो दो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में गिवन है, हम निकालते भी हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, तो उसका सोल्यूशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और हम मान लेते हैं कि m की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 और माइनस 1 आ रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, c1 e raise to power x प्लस c2 e raise to power minus x, ठीक है। तो अगर इसके दो सोल्यूशंस की हम बात करें तो एक तो ये सोल्यूशन हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है, c1 और c2 जो कोफिशियंट्स हैं उनको छोड़ के, ठीक है। तो रोन्सकियन हम इसका कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे y1 जो है अपना e raise to power x, y2 e raise to power minus x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम यही होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस e raise to power minus x। इसका डिटर्मिनेंट हम देखेंगे और डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो क्या आएगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 माइनस साइन आएगा और ये क्या होगा, माइनस 1, तो माइनस 2 आ रहे हैं, वो क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये जो दो सॉल्यूशंस हैं आपने वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं और यहाँ पे C1 और C2 जो है वो भी अपने क्या होंगे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे इस सॉल्यूशन के लिए। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। एक अपना होता है एबल्स फॉर्मूला, और वो एबल्स फॉर्मूला किसके लिए है कि अगर रोन्सकियन हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिवन है और दूसरे पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस फॉर्मूले को हमने नाम दिया है एबल्स फॉर्मूला, और इस पे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है नेट में, तो इसलिए इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखो। मैंने जब CSIR नेट के जो क्वेश्चंस करवाए प्रीवियस ईयर वहाँ पे भी मैंने ये बताया है। तो वो क्या है, y1 y2 और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x पे हमें निकालना है, और रोन्सकियन हमें गिवन है x नोट पॉइंट पे, मान लेते हैं हमें रोन्सकियन क्या है, गिवन है, तो वो क्या होगा, रोन्सकियन एट x नोट पॉइंट इंटू e raise to power माइनस इंटीग्रल अपना होगा, लिमिट क्या होगी उसकी जो पॉइंट हमें गिवन है वो, और अपर लिमिट क्या होगी जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, a1 अपॉन a2 इंटू में dx, जहाँ पे a1 और a2 क्या है, यहाँ पे साइन अपना माइनस का है इंटीग्रल से बाहर, a2 जो है वो कोफिशियंट है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का, और a1 है वो कोफिशियंट है dy अपॉन dx का। तो ऐसे हम रोन्सकियन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी अनदर पॉइंट पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोसी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हम बोले सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशियंट, और वेरिएबल कोफिशियंट में भी एक पर्टिकुलर केस है कि उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, और अगर दूसरे टाइप के कोफिशियंट्स हमें गिवन हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो जनरल फॉर्म है कोसी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या है, जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो है अपनी ए एन एक्स रेज टू पावर एन डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे जो एन माइनस वन है वो क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है, प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस ए नोट वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ पे जो ए वन ए नोट ए वन ए टू और ए एन जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन अगर कोफिशियंट की हम बात करें तो कोफिशियंट क्या है, ये टर्म हमें कोफिशियंट बता रही है, जो कि कॉन्स्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, तो वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। फंक्शन ऑफ एक्स हम लिखें या फिर हम क्या लिखें, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या जो कोफिशियंट्स हैं आपने वो क्या है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे या फिर वो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, जो भी अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके फंक्शन होंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि उसकी जो पावर है ना, एक्स की जो पावर है वो पावर रहेगी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के इक्वल। तो ये भी आप ध्यान रखो कि पावर ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के। जिस भी कोफिशियंट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी डेरिवेटिव के कोफिशियंट की हम बात करते हैं, उसके जो डेरिवेटिव की पावर है वही क्या होगी, एक्स की पावर होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के इक्वल होगी पावर ऑफ एक्स। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको दिखती है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जनरली जो अपने एग्जाम में आती है इक्वेशन वो या तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आती है या फिर थर्ड ऑर्डर के लिए आती है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर आती है या थर्ड ऑर्डर के लिए आती है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर की अगर इक्वेशन हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए नोट वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ट्राई करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, उसमें कन्वर्ट करने का। और उसका सॉल्यूशन तो हमने फाइंड आउट करना सीखा है, वो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हम चेंज करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। तो कैसे हम चेंज करेंगे, जब भी आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन दिखती है तो आप पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एन एक्स आ जाएगी। ठीक है, और अगर dz by dx हम फाइंड आउट करें, dz by dx हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 1 upon x। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, जो dy upon dx हमें गिवन है उसको हम लिख देंगे, क्योंकि जो x है वो तो क्या है, फंक्शन ऑफ z है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, dy upon dz into dz upon dx। और dz upon dx हमें पता है किसके इक्वल है, 1 upon x के dy upon dz। ठीक है, तो यहाँ से dy upon dz हम निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, x इंटू में dy upon dx। तो जहाँ पे भी आपको x इंटू dy upon dx दिख रहा है, ये जो टर्म है अपनी वो किस में चेंज होगी, dy upon dz में। ठीक है, तो अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। और इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, d upon dx इंटू dy upon dx, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और dy upon dx जो है अपना वो क्या है, ये है, तो d upon dx इंटू 1 upon x dy upon dz, ये हमें निकालना है। तो हम फर्स्ट जो फंक्शन है वो हम एज इट इज लेंगे, सेकेंड का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू dz upon dx प्लस जो सेकेंड फंक्शन है वो अपना क्या होगा, एज इट इज, और फर्स्ट का क्या होगा, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 upon x square। अब dz by dx जो है वो किसके इक्वल है, 1 by x के। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 by x, तो 1 by x square यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि ये वाली जो टर्म है अपनी वो किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। और जो डी बाई डी जेड है उसको हम नाम देते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर डी का।
ठीक है, तो जो dy by dx है उसको हम कैसे लिखेंगे, x into dy by dx, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है x into dy by dx, उसकी जगह पे हम लिख देंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, y पे, और एक्स स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये जो है अपना क्या है डी स्क्वायर माइनस डी, और किस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वाई पे, या फिर इसको ऐसे लिखो डी कॉमन ले लो डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। तो सिमिलरली एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू क्या होगा ऑपरेट हम करेंगे किस पे वाई पे। तो अगर हम बात करें कि x रेज टू पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा इक्वल होगा d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई में है ये सारे। अब यहाँ पे अगर 2 था तो अपना क्या आ रहा था d माइनस वन आ रहा था, यहाँ पे 3 जो था तो हमारा आ रहा था d माइनस टू, तो n के लिए अपना क्या आ जाएगा d माइनस एन माइनस वन, और किस पे ऑपरेट होगा y पे। ठीक है, तो इससे हम रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन अपने किस में चेंज हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। तो ये जो वैल्यूज हमने निकाली ये हम इक्वेशन में पुट कर देंगे a2, और इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस ए वन, और इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं डी वाई प्लस ए नोट वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए टू डी स्क्वायर माइनस डी इंटू में वाई प्लस ए वन डी वाई प्लस ए नोट वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए टू, तो डी स्क्वायर को हम लिख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, जेड के रेस्पेक्ट में अब डेरिवेटिव है उसको हमने नाम दिया है डिफरेंशियल ऑपरेटर डी का, माइनस ए टू डी वाई अपॉन डी जेड, और ये भी क्या है अपना डी वाई अपॉन डी जेड प्लस ए वन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्लस ए वन माइनस ए टू डी वाई अपॉन डी जेड प्लस ए नोट वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो जो कोफिशियंट थे अपने ए वन ए टू ए नोट वो क्या थे, कॉन्स्टेंट थे, तो जो इक्वेशन है अपनी वो किस में रिड्यूस होगी, जो कोफिशियंट्स हैं अब जो डेरिवेटिव है अपना वो किसके रेस्पेक्ट में है, जेड के रेस्पेक्ट में है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अपना जेड हो गया, लेकिन उसके जो डेरिवेटिव के कोफिशियंट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इक्वेशन अपनी चेंज होगी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, और इसका सोल्यूशन अपना क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन ये जो सोल्यूशन आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ जेड आएगा, तो उस जेड को हम फिर कन्वर्ट कर देंगे एक्स में, और कैसे हम लिखेंगे, हमने पुट किया है एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड, तो जेड जहाँ पे भी अपना होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे एल एन एक्स रख देंगे, तो अपना सोल्यूशन आ जाएगा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इस पे। तो ये एक इक्वेशन आपको गिवन है और इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, तो एग्जांपल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है तो x की पावर भी सेम है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अगर आपको x की पावर जो है वो सेम नहीं दिख रही है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के तो हम उसको सेम करेंगे। उसके बाद हम क्या रखेंगे, x को हम रख देंगे e रेज टू पावर z, या फिर z को हम बोलें तो कैसे लिखेंगे ln x, और dz by dx अपने को पता है क्या होता है 1 upon x, तो ये सेम प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जहाँ पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दिख रहा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स उसकी जगह पे हम रखेंगे डी वाई अपॉन डी जेड, या फिर मैं बोलूँ डी वाई, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, या फिर हम बोलें डी इंटू में डी माइनस वन वाई। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन में तो इक्वेशन अपनी चेंज हो जाएगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर
माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, और यहाँ पे क्या है प्लस डी वाई अपॉन डी जेड प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एल एन, और यहाँ पे x की टर्म हमें गिवन है, तो x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं e रेज टू पावर z, ठीक है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा e रेज टू पावर 2z, तो x स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे e रेज टू पावर 2z, ln से e कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा साइन 2z मिलेगा, तो ये टर्म तो कैंसिल होगी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है साइन 2z। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो आपको वही दिख रही है कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं, और वो कैसे लिखते हैं कि जहाँ पे भी सेकेंड डेरिवेटिव होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे एम स्क्वायर, और फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है नहीं तो कोफिशियंट जो होगा वाई का वो हम लिखेंगे प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एम की वैल्यूज हमें क्या मिलेगी एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एम की वैल्यू हमें मिल रही है प्लस माइनस आइटा, तो ये जो रूट्स हमें मिल रहे हैं वो क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट हैं, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं e रेज टू पावर अल्फा x, अल्फा की वैल्यू क्या है जीरो, बीटा की वैल्यू क्या है वन, तो c1 cos बीटा x, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी वो किस में है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है z, तो cos z आएगा प्लस c2 sin z, ये आप ध्यान रखो। अब इक्वेशन जो है वो किस में चेंज हुई है इसमें चेंज हुई है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आप x की जगह पे z लिखोगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वन अपॉन एफ डी इंटू में जो भी अपना फंक्शन है साइन 2z, तो f ऑफ d अपना क्या है यहाँ पे d स्क्वायर प्लस वन, और साइन जो साइन ए एक्स या कोस ए एक्स वाली टर्म होती हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो हम माइनस 4 से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस 4 हम रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 3 साइन 2z, तो ये अपना आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो c1 cos z प्लस c2 sin z माइनस 1/3 साइन 2z। अब जहाँ पे भी z है वहाँ पे हमें क्या रखना है ln x रखना है, तो c1 cos ln x प्लस c2 sin of ln x माइनस 1/3 साइन 2z जो था वो क्या था sin of ln x स्क्वायर था, ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, ये गेट 2007 में आया था, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन दैट y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 इज, तो ये सॉल्यूशन हमें बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इक्वेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वही क्या है x की पावर है, तो कोसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की इक्वेशन है, तो x dy by dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे dy upon dz, और जहाँ पे भी अपना x होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे e raise to power z, तो dy upon dz plus y is equal to x raise to power 4 क्या हो जाएगा e raise to power 4z। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी किस में, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखेंगे वो क्या आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी m प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो m इज इक्वल टू माइनस वन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया यहाँ से c1 e रेज टू पावर माइनस z, तो e रेज टू पावर माइनस z जो है वो अपना क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, तो क्या आ रहा है c1 बाय x, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 अपॉन एफ डी, और f ऑफ d क्या है d प्लस वन इंटू में e रेज टू पावर 4z, तो जहाँ पे भी अपना e रेज टू पावर ए एक्स जो होता है जहाँ पे भी a होगा तो d को हम रिप्लेस करते हैं किससे a से,
तो डी को हम ए से रिप्लेस करेंगे तो 1/5 ई रेज टू पावर 4z, और ई रेज टू पावर 4z को x के टर्म्स में हम लिखेंगे तो 1/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या आ जाएगा, c1/x प्लस एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, एक तो ये टर्म सॉल्यूशन में हमें पता होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है तो c1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, पर ये टर्म तो अपनी कंफर्म होगी और x जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो x रेज टू पावर 4/5 किस में है, एक तो इसमें दिख रहा है बी ऑप्शन में और एक डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में x क्या है, न्यूमरेटर में है और d में क्या है, डिनोमिनेटर में। तो d ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हो y की वैल्यू क्या है, 1 है जब x को हम 1 कंसिडर करते हैं, तो c1 + 1/5, तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 1/5, तो क्या आएगा, 4/5। तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हम रख देंगे 4/5, तो d ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।